इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज 2 नवंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जयपुर युवा शिक्षा अवसर, 8 महीने से कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को अब तक 1 महीने का भी नहीं मिला इंसेंटिव। नेट यूजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज छात्रों की पहली पसंद। सीएसपी फाइनल प्रवेश की रिपोर्टिंग 4 से 9 तक। आईबीपीएस से एसओ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, 21 तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मॉडल स्टेट राजस्थान, बेहतर शिक्षा नए अवसर। लगभग 1 लाख प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। 69,681 अध्यापकों की नवीन भर्ती। लगभग 90,000 शिक्षक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन। हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज, रीट 2023, रीट में शिक्षकों के बढ़ेंगे 6,000 पद। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संकेत दिए, शिक्षकों के बढ़ सकते हैं 6,000 पद। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, सरकार ने घटा दिए थे 6,000 पद, अब वापस भर्ती में बढ़ सकते हैं 52,000 से ज्यादा पदों पर हो सकती है रीट। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कैन पेपर जारी। आरपीएससी वेबसाइट पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 आंसर की जारी करने की तैयारी। 24 तक कर सकेंगे सीटेट के आवेदन, दिसंबर से जनवरी तक होगी परीक्षा। आयोग ने जारी किया पाठ्यक्रम। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक लगाने का दावा। दूसरी तरफ 1 साल से अटका परिणाम, नई भर्ती पर रोक। राजस्थान पत्रिका, 4700 स्कूलों को नहीं मिलेगा शिक्षा संभल। कर्मोन्नत स्कूलों में पद ही नहीं स्वीकृत। बाड़मेर, शिक्षा विभाग में 2810 शिक्षक कार्मिक इधर उधर। 28 तारीख में जारी हुई सूचियां 4 दिन बाद आई सामने। मंडलवार स्थानांतरण, राजस्थान पत्रिका, शिक्षा विभाग बीकानेर। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बाल वाटिकाओं में लगेंगे एनटीटी प्रशिक्षित शिक्षक। आरएएस 2021 डीसी और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी। आरपीएससी अजमेर, बोर्ड परीक्षा 2023, परीक्षार्थियों के फॉर्म इस सप्ताह पहुंचेंगे अजमेर बोर्ड कार्यालय। भास्कर न्यूज अजमेर, लेवल 2 अभ्यर्थियों को नहीं मिली 2 नवंबर आज धरने की अनुमति। भास्कर न्यूज जयपुर, रीट शिक्षक भर्ती। प्री डीएलएड रिजल्ट जारी करने नहीं पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, आयुक्त ने जारी किया परिणाम। जयपुर, पद कम, सीटी के प्रति उत्साह नहीं। अब तक 9.80 लाख आवेदन, आवेदन की अंतिम तिथि कल। बोर्ड को 20 लाख आवेदन आने की थी उम्मीद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आज से, पर खाली पदों की सूची नहीं। बीकानेर, भास्कर न्यूज, 2 भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी तय करेगी एडीजे भर्ती 2020 का विवाद।
CHO के 3531 पदों पर होगी संविदा भर्ती, फरवरी में होगी परीक्षा। राजस्थान पत्रिका। अजमेर जिले से 40 व्याख्याता, 20 प्रिंसिपल और 15 सेकेंड ग्रेड के हुए तबादले। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के इंटरव्यू का परिणाम जारी, RPSC अजमेर। नन्हे मुन्नों की परीक्षा कल से, कक्षा 3 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के जांचेंगे लर्निंग लेवल, धौलपुर। शिक्षा मंत्री जी, वेतन व्यवस्था सुचारू नहीं होने से जिले के स्कूलों में शिक्षकों के 250 पद टूटेंगे, बेरोजगारों को कैसे मिलेगा रोजगार, श्रीगंगानगर जिला। प्रदेश के कर्मोन्नत 5000 स्कूलों में केवल 400 में ही पद स्वीकारते, एफिलिएशन नहीं तो प्रवेश और परीक्षा पर भी रोक, बांसवाड़ा। विद्या संबल, आज से गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन, 19 नवंबर तक ज्वाइन करना होगा, सीकर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। IMGS विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षाएं 17 नवंबर से, आवेदन कल तक होंगे। कोटा युवा शिक्षा अवसर, नीट UG। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। CID IB कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा 4 से 7 तक। प्री डीएलएड परिणाम अगले सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। सामान्य में बाड़मेर के रामदेव, संस्कृत में वेदिका, महेश और धीरज अव्वल। बीकानेर शिक्षा विभाग भास्कर न्यूज। प्री डीएलएड का परिणाम जारी, राजस्थान पत्रिका न्यूज। क्लेट का आयोजन दिसंबर में, 15 साल बाद बदला शेड्यूल, क्लेट 2023, राजस्थान पत्रिका जालोर। प्रथम आंकलन कल से। प्रदेश के बच्चे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होंगे दक्ष, नवज्योति। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय न्यूज़। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम पर फोकस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर मेहरा ने कहा, विश्वसनीयता बनाए रखना पहली प्राथमिकता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर।